हेलो एंड वेलकम टू कोरोना स्टडी पॉइंट। कोरोना स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनीता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट इमरजेंसी राज्य आपात के बारे में। देखिए, हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 में दी गई नेशनल इमरजेंसी के ऊपर पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है। और आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 356 में दी गई स्टेट इमरजेंसी के विषय में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है स्टेट इमरजेंसी। देखिए, जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है, इसे राज्य आपात, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक तंत्र का विफल होना भी कहा जाता है, और ये अनुच्छेद 356 में दी गई है। पर आज हम अनुच्छेद 356 को पढ़ने से पहले अनुच्छेद 355 और 365 को भी पढ़ेंगे। देखिए, जो अनुच्छेद 355 है, इसके अंतर्गत संघ के ऊपर तीन कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं। संघ को तीन कर्तव्य दिए गए हैं। पहला कर्तव्य ये दिया गया कि वो बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण से भारत के प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। और दूसरा कहा गया कि वो आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य को बचाएगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाएगा। ओके, अब ये जो तीसरा कर्तव्य इन्हें दिया गया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर कहा गया कि भारत का प्रत्येक राज्य हमारे संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार चले, ये सुनिश्चित करना भी संघ का कार्य होगा। अब संघ को ये भी देखना होगा कि हमारे संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं, प्रत्येक राज्य उसका पालन करे, उसके अनुसार चले। ओके, अब यहाँ पर ये कर्तव्य तो संघ को दे दिए गए, अब संघ इन्हें पूरा कैसे करेगा, सेंटर के द्वारा इसे कैसे पूरा किया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए संघ के द्वारा दो कार्य किए जा सकते हैं। एक तो वो राज्यों को डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है, जैसा कि हम अनुच्छेद जवाब 256, 257 और इसी प्रकार से 353 और भी अनुच्छेद हैं जिनमें डायरेक्शन की बात करी गई। जब आप पढ़ते हैं तो इन्हें देखेंगे कि किस प्रकार से वो राज्य को डायरेक्शन देते हैं। ओके, साथ में और ये क्या कर सकते हैं, और ये शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, पावर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर राज्य सरकार की जो शक्ति होगी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, अनुच्छेद 356 का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये दो कार्य देखे कि ये कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम अनुच्छेद 365 के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 365 कहता है कि जब संघ के द्वारा राज्य को कोई डायरेक्शन दिए जाएंगे और वो राज्य उन डायरेक्शन को या तो फॉलो नहीं कर रहा है, उनका पालन नहीं करेगा, उन डायरेक्शंस को मानेगा नहीं, या फिर उन्हें अच्छे से कार्यान्वित नहीं करवा पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ये मान लेंगे कि उस राज्य का जो शासन है वो हमारे संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं उसके अनुसार नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने ये मान लिया। अब ये मान लिया तो करेंगे क्या, बात वही आ गई, फिर ये 356 का ही यूज़ करेंगे, यही चारा बचता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये डायरेक्शन देंगे या फिर 356 का यूज़ करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे डायरेक्शन की बात करी गई है, अब ये जो डायरेक्शन दिए जाएंगे संघ के द्वारा, ये वही डायरेक्शन दे सकते हैं जिनका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ओके, तो यहाँ से देखा आपने किस प्रकार से 355 और 365 भी 356 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसे लिखकर आप अपने आंसर राइटिंग को और भी ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। अब हम 356 की बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 356 है, इसमें पांच क्लॉज दिए गए हैं। अब ये जो पांच क्लॉज हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पर पहला क्लॉज है, जो फर्स्ट क्लॉज है, यहाँ पर जो आपात लगाया जाएगा, उस आपात को लगाने का आधार दिया गया है। ओके, और जो इसके सब क्लॉज हैं, यहाँ पर उसका इफेक्ट क्या होगा, ये बातें करी गई हैं। तो हम इसे देख लेते हैं।
यहाँ पर कहा गया, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट मिलने पर, किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट मिलने पर या फिर किसी दूसरी सोर्स से ये जानकारी मिलने पर कि उस राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को इस पर विश्वास हो जाएगा कि उस संविधान का के अनुसार उस राज्य का शासन नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये आपात की घोषणा कर सकते हैं, वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि दो प्रकार से राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है, एक तो राज्यपाल रिपोर्ट देगा या फिर किसी दूसरी सोर्सेस से उन्हें ये जानकारी मिलेगी और इनका ये समाधान हो जाएगा और ये मान लेंगे कि वहाँ का शासन हमारे संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ से आपने कैसे डिक्लेयर करेंगे इस चीज़ को देखा। अब जब स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, वो इसके सब क्लॉजेस में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया, जितनी भी कार्यपालिकीय कार्य होंगे वो राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेंगे, वो राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे। ओके, इसके अतिरिक्त जितने भी विधायी कार्य होंगे, हमारी जो संघ की विधानसभा है उसके द्वारा जो विधायी कार्य किए जाएंगे वो सब ये संसद को दे देंगे, पार्लियामेंट को दे देंगे, ये शक्ति पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं। अब ये इसे कब डिसॉल्व करेंगे ये हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। साथ में यहाँ पर कहा गया, ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, जिस उद्देश्य से ये आपात की उद्घोषणा करी जाएगी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ उपबंध भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपने देखा किस प्रकार से वो कार्यपालिकी शक्ति को अपने हाथ में ले लेंगे और जो विधायी कार्य हैं वो संसद को दे देंगे। अब बचा क्या, न्यायपालिकी कार्य बचे, हमारे जुडिशियल वर्क बचे। तो यहाँ पर कहा गया उस राज्य की जो हाई कोर्ट होगी, जो न्यायपालिका की बात हो गई, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस उद्घोषणा का, और उसकी जो शक्तियाँ थी वो जैसी थी वैसी ही बनी रहेंगी, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो आपने यहाँ पर आधार देख ली और उसका प्रभाव क्या होगा ये बात देख ली। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है, क्या इस उद्घोषणा का अनुमोदन भी कराना होगा और ये कितने समय के लिए वैलिड रहेगी। तो ये बात करी गई है क्लॉज 3 में। क्या कहता है क्लॉज 3, हम ये देख लेते हैं। क्लॉज 3 में कहा गया कि ये जो आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। जब हम संसद के दोनों सदनों की बात करते हैं तो मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के ही समक्ष, इनकी स्वीकृति के लिए, इनके द्वारा अनुमोदन कराए जाने के लिए इनके समक्ष इस उद्घोषणा को रखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक बात और कही गई, यहाँ पर एक टाइम पीरियड भी दे दिया गया कि जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी, जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है तब से 2 महीने के अंदर, 2 मंथ्स का टाइम दे दिया गया, 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा, हमारे जो संसद के दोनों सदन हैं इसके द्वारा इस इमरजेंसी का अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए। अगर इन 2 महीनों के अंदर इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो 2 महीने समाप्त होने के पश्चात ये इमरजेंसी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ओके, तो ये बात यहाँ पर कही गई, इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 फरवरी, 1 फरवरी को आपात की घोषणा करी गई, तो यहाँ पर जो 2 महीने का टाइम दिया गया, मतलब 1 अप्रैल से पहले इस उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा, अन्यथा ये 2 महीने समाप्त होते ही ये उद्घोषणा जो करी गई है स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से एक फैक्ट ये निकल के आया कि बिना अनुमोदन के कोई ये जो उद्घोषणा करी जाएगी ये 2 महीने तक जारी रह सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा जो ये अनुमोदन किया जाएगा ये उसके सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। ये इतनी बात आपने यहाँ से समझ ली। अब यहीं पर जो क्लॉज 3 का परंतु है, यहाँ पर एक और कंडीशन दे दी गई।
यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं, इन दो कंडीशंस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया कि मान लीजिए जब यह आपात की उद्घोषणा की गई है उस समय हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई है, वो भंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे मंजूरी देगी। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी जो कंडीशन है वो ये दी गई कि मान लीजिए जब यह आपात की उद्घोषणा करी गई और जो ये 2 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था इसके अप्रूवल के लिए, तो इस 2 महीने के अंदर अगर हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और अभी लोकसभा के द्वारा इस उद्घोषणा का अनुमोदन भी नहीं किया गया है और राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में जब नई लोकसभा गठित होकर आएगी, एक नई लोकसभा गठित होगी, फिर से लोकसभा गठित होकर आएगी, तो उस नई लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग की बात करी गई है, उस नई लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिन के अंदर, प्रथम बैठक के बाद जो 30 दिन दिए गए, 30 डेज दिए गए, मतलब 1 मंथ, 30 दिन के अंदर अगर ये लोकसभा इस उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है तो ये उद्घोषणा आगे जारी रहेगी, अन्यथा 30 दिन समाप्त होने के पश्चात ये उद्घोषणा भी समाप्त हो जाएगी। तो इन दोनों कंडीशन को आपने देख लिया कैसे किया जाएगा। ओके, अब यहीं पर क्लॉज 4 ये कहता है कि मान लीजिए एक बार अगर इस उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाता है तो ये 6 महीने तक, आगे 6 महीने तक जारी रहेगी। जैसे इसे एक बार पार्लियामेंट के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया तो ये 6 महीने तक जारी रहेगी, ये चीज़ आपने यहाँ से देख ली। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे 6-6 महीने करके इसे 3 साल तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब अधिकतम अवधि है 3 साल, 3 साल के लिए स्टेट इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। अब इसके लिए करना क्या होगा, तो यहाँ पर ये कहा गया कि एक बार जब 2 महीने के अंदर एक बार इस उद्घोषणा को अनुमोदित कर दिया गया तो ये अगले 6 महीने के लिए जारी रही। अब अगर इस 6 महीने के आगे फिर हमें इसे और बढ़ाना है तो ये 6 महीने समाप्त होने से पहले फिर से इसे पार्लियामेंट के द्वारा अनुमोदित कराना होगा, और पार्लियामेंट अगर इस पर अपनी स्वीकृति दे देती है तो ये फिर अगले 6 महीने के लिए जारी रहेगी, और फिर अगर हमें इसे इसके आगे जारी रखना है तो फिर 6 महीने खत्म होने से पहले इसे पार्लियामेंट के द्वारा अनुमोदित कराना होगा। तो इस प्रकार 6-6 महीने करके आप इसे 3 साल तक के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, पर पंजाब राज्य के मामले में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। 11 मई 1987 के में ये 5 साल कर दी गई थी। ओके, अब यहीं पर एक कंडीशन और दी गई है जो क्लॉज 5 के अंतर्गत दी गई है। अभी जो क्लॉज 5 है इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। यहां पर क्या कहा गया ये भी देख लेते हैं। यहां पर कहा गया, जैसा कि अभी हमने देखा कि अधिकतम 3 साल के लिए आप राज्य आपात को लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह दिया गया कि अगर हमें 1 साल से ज़्यादा राज्य आपात को बढ़ाना है तो उसके लिए ये 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जब ये 2 कंडीशन पूरी होंगी तभी आप स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से आगे बढ़ा सकते हैं। ये 2 कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर कहा गया या तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगी हो, एक बात तो ये कही गई। दूसरी कही गई, हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, इसके द्वारा ये प्रमाणित कर दिया गया हो कि उस राज्य में विधानसभा चुनाव करवाना संभव नहीं है, बहुत सी कठिनाइयाँ हैं वहाँ पर, अतः यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी का जारी रहना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में ही 1 साल से अधिक स्टेट इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से देख ली। अब इसके साथ में ही यहाँ पर हम अनुच्छेद 357 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि मान लीजिए जो हमारी 356 लगा हुआ है, किसी राज्य पर स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है और वहाँ के कंसोलिडेटेड फंड मतलब संचित निधि से हमें खर्चा करना है तो क्या करेंगे, और जो लोकसभा है, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो इस पर मंजूरी कैसे ली जाएगी। इस पर मंजूरी पेंडिंग रहने की स्थिति में
अब इसे खर्च कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इसका रास्ता ये निकाला गया कि ऐसी स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, वो राज्य की संचित निधि से खर्च करने के लिए मंजूरी देंगे, ये राष्ट्रपति के प्राधिकार में आएगा, एक ये बात कह दी गई। दूसरी बात इसके क्लॉज टू में क्या कही गई, स्टेट इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के द्वारा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर जिसे ये प्राधिकृत करते हैं उस प्राधिकारी के द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी वो कब तक जारी रहेगी। तो यहाँ पर कहा गया ऐसी स्थिति में जो विधि बनाई जाएगी वो अनुच्छेद 356 के समाप्त होने के पश्चात, मतलब स्टेट इमरजेंसी के खत्म होने के पश्चात तब तक जारी रहेगी जब तक उसे सक्षम विधानमंडल के द्वारा या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निरसित नहीं कर दिया जाता, उसे परिवर्तित नहीं कर दिया जाता या फिर उसे संशोधित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये जारी रहेगी। तो यहाँ से आपने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखे, इसीलिए कहा जाता है कि 356 के साथ 357 को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपने आर्टिकल 355, 365, 356 एंड 357 के बारे में देखा। अब हम आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कुछ केसेस के माध्यम से दिए गए हैं, जैसा कि इस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक केस है, एसआर मुंबई का केस, जो आई होप आप सबने इसे पढ़ रखा होगा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसके साथ में आप रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केस हैं जिनके द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया ये जो 356 का यूज़ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इनका जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो समाधान हो जाता है, जिस आधार पर ये स्टेट इमरजेंसी को लगाते हैं और विधानसभा को भंग करते हैं, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि इनकी ये शक्ति असीमित नहीं है, ये भी शर्तों के अधीन आती है। तो यहाँ से मेन फैक्ट ही निकल के आया कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और भी यहाँ पर कुछ बातें कही गई, यहाँ पर कहा गया कि मान लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा जो स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी, एक तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो गया, दूसरी बात यहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई। यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जब तक कि जो स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी, इसके दौरान जब तक कि इस स्टेट इमरजेंसी को पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकृति नहीं मिल जाती है, इसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, तब तक राष्ट्रपति किसी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये सिर्फ उसे सस्पेंड कर सकते हैं। जब पार्लियामेंट इसे अप्रूव्ड कर देगी, अनुमोदित कर देगी इस स्टेट इमरजेंसी को, तभी ये वहाँ की विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक बात तो ये निकल के आई, दूसरी बात ये निकल के आई, अब मान लीजिए किसी इन्होंने जो स्टेट इमरजेंसी लगाई है, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है और जुडिशियल रिव्यू में इसका दुरुपयोग पाया जाता है, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया पाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जुडिशरी उस विधानसभा को फिर से रिएक्टिवेट कर सकती है, उसे पुनर्जीवित कर सकती है। ओके, ये बात कही गई, लेकिन साथ में यहाँ पर एक पॉइंट और निकल के आता है कि मान लीजिए कि विधानसभा का भंग किया जाना गलत पाया जाता है, तो ये विधानसभा को रिएक्टिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उस दौरान नई विधानसभा का गठन हो गया है, नई विधानसभा गठित होकर आ गई है, तो तब ऐसी स्थिति में ये पुरानी विधानसभा को रिएक्टिवेट नहीं करेंगे, ये बात कही गई। यहीं पर एक पॉइंट धर्मनिरपेक्षता को लेकर आ जाता है, सेकुलरिज्म की बात करी गई है। यहाँ पर कहा गया कि जो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, ये हमारे संविधान का बेसिक फीचर है, आधारभूत ढांचे में आता है, ये उसका लक्षण है। अब जो कोई स्टेट अगर इसके विरोध में कार्य करता है तो वहाँ पर अनुच्छेद 356 का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर सीधी सी बात ये कही गई कि किसी भी राज्य को हमारे धर्मनिरपेक्षता के विरोध में कार्य नहीं करना है। देखिए 6 दिसंबर 1992 की बात है, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, तब यहाँ पर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, 356 लगा दिया गया था,
और तब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर अनुच्छेद 356 का लगाया जाना उचित था, क्योंकि ये सरकारें हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके विरोध में जा रही थी, धर्म निरपेक्षता जो एक आधारभूत लक्षण है उसके विरोध में जा रही थी और अशांति फैला रही थी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अगर कोई राज्य हमारे संविधान में जो बातें दी गई हैं उनके विरोध में जाता है तो वहाँ पर 356 का यूज़ किया जा सकता है, ये बात कही गई यहाँ पर। ओके, अब इसी के साथ में एक पॉइंट ये और भी जोड़ा गया यहाँ पर। यहाँ पर कहा गया कि जैसे हमारे देश में बहुत से राज्य हैं, तो यहाँ पर कहा गया ये मान लीजिए बहुत सारे राज्य हैं और इन सभी राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार आ गई है, एक ही पार्टी की सरकार एक से अधिक राज्यों में है, तो अब इनमें से किसी एक राज्य में इस पार्टी की सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस राज्य में संविधान के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है वहीं पर अनुच्छेद 356 का यूज़ किया जाएगा, बाकी राज्यों में नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जिस रोगी को दवा की ज़रूरत है उसे ही दी जाएगी, जो बीमार नहीं है उन्हें दवा नहीं दी जाएगी। ओके, तो ये बात कही गई यहाँ पर। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, ये कहना कि अगर किसी एक दल के पास गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी एक दल के पास मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है किसी एक दल के पास, तो ऐसी स्थिति में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से दल बदल हो सकता है, खरीद फरोख हो सकती है। इस आधार पर अनुच्छेद 356 का लगाया जाना उचित नहीं है कि आप कह दें कि कोई सरकार नहीं बना पाएगा और यहाँ पर दल बदल हो सकता है और अनुच्छेद 356 लगा दें, तो ये उचित नहीं है। इस आधार पर अनुच्छेद 356 नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर आप ऐसे आपने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे सरकारी आयोग की रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।